इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूँ मयंक यादव जिला बिजनौर से। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेहरपुर क्षेत्र में, जहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग की लगातार इसकी लापरवाही चल रही है, जिसके चलते 8 माह यहाँ सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। और ये सड़क बनाने का कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि इसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं के चलते यहाँ जो है जाम की स्थिति बनी हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आए दिन यहाँ जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, दुर्घटनाएं होती रहती है। आइए लोगों से बात करेंगे इस मुद्दे पर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या भाई साहब, क्या परेशानी है? परेशानियाँ 8 महीने से भाग की प्रॉब्लम हो रहा है भाई साहब। साइकिल लेके आ रहा है, गड्ढा फंस गया मेरी साइकिल। भाई साहब किस तरीके से देखिएगा, लोग परेशान है यहाँ पर। लगातार जो है बता रहे हैं सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक जाम की इतनी स्थिति बन जाती है कि यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना भी भारी हो जाता है। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। क्या हुआ आपके साथ? रात मेरा ढेला कार से लगाता हूँ, ला गया था मैं रात 8 बजे, यहाँ ढेला पलट गया, परसों ढेला पलट गया। आपने इसकी किसी अधिकारी से इनकी अवगत कराया कि ये सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? कराया था, वही बोले कि अभी टाइम लगेगा इसमें। देखिएगा ठेकेदार की इतनी बड़ी लापरवाही चल रही है, जनता परेशान है, मगर वो अपने मनमानी तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। मेरा साइकिल अधिकारियों से निवेदन है कि इस सड़क के लिए थोड़ी उत्सुकता दिखाएं और इस कार्य को प्रगति से कराएं। जय हिंद, जय भारत। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।